नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी की टीम ने राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी के आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी इस घोटाले से जुड़े मामले को लेकर एक्शन में है। इसके अलावा पीएचईडी के पास बड़े अधिकारियों और ठेकेदारों के अड्डों पर भी ईडी ने रेड डाली है। ईडी की रेड जयपुर और मासवाड़ा समेत कई इलाकों में चल रही है। सूत्रों के मुताबिक इन ठेकेदारों और अधिकारों को पूर्व मंत्री महेश जोशी का करीबी बताया जा रहा है। वहीं ईडी राजस्थान में जल जीवन मिशन परियोजना में कथित अनियमितताओं से संबंध में तलाशी ले रही है। इससे पहले भी जल जीवन मिशन घोटाला मामले को लेकर ईडी की टीम ने राजस्थान में 25 जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें आईएएस सुबोध अग्रवाल के ठिकाने भी शामिल थे। ईडी राजस्थान में जल जीवन मिशन परियोजना में अनियमितताओं के संबंध में लगातार एक्शन ले रही है। वहीं इससे पहले भी जल जीवन मिशन घोटाला मामले को लेकर ईडी की टीम ने राजस्थान में 25 जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें आईएएस सुबोध अग्रवाल के ठिकाने भी शामिल थे। इससे कुछ दिन पहले ही प्रवर्तन निदेशालय ने जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को पेश होने का समन जारी किया था, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर स्थित आवास पर छापेमारी की गई थी। वहीं पिछली बार हुई छापेमारी को पूर्व सीएम गहलोत ने घिनौनी राजनीति करार दिया था। उन्होंने कहा था कि क्या इतने बड़े मुल्क में आर्थिक अपराध नहीं हो रहे हैं, बता दें कि ध्यान देना चाहिए। वहीं ईडी का ध्यान सिर्फ राजनेताओं पर जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे अध्यक्ष डोटासरा और मेरे पुत्र के पास ईडी को कुछ नहीं मिला।